सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि एक आदमी जो भीड़ के ऊपर रिसर्च करता है, जिसके बाद जो हुआ देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। सो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लेट्स गो ऑन दिस मूवी। की शुरुआत होती है और हमें हेनरी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि सेब फार्मिंग करता था, और हेनरी इस काम में काफी तरक्की कर रहा था, जिसकी वजह से उसके फादर उस पर प्राउड फील करते थे। लेकिन हेनरी के भाई एंगर्स को उसकी तरक्की से जलन होती थी, और एंगर्स हेनरी को सबक सिखाने के लिए हेनरी की एक भेड़ को मारकर उसकी खाल पहनकर छुप जाता है। और इसके बाद हेनरी जब घर आता है तो वह उसे डरा देता है, और हेनरी सच में उसके इस मजाक से काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उनकी हाउसकीपर आकर बताती है कि एक एक्सीडेंट के दौरान तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। ये बात सुनकर हेनरी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबरा जाता है, जिस वजह से उसे भेड़ों से डर लगने लगता है, और इसी वजह से हेनरी सेब फार्मिंग छोड़कर शहर चला जाता है। इसके बाद सीन 15 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी अब बड़ा हो चुका है और वो शहर से वापस अपने गांव आ रहा होता है। असल में हेनरी इसलिए आ रहा था ताकि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने भाई को बेच सके। गांव में घुसते ही हेनरी की कार के चारों ओर एक भेड़ों का झुंड आ जाता है, जिसे देख हेनरी डर जाता है और अपने ड्राइवर को कार का दरवाजा ओपन करने से मना कर देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो भेड़ का झुंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी पुरानी हाउस कीपर मिसेज मैक मिलती है। मैक उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हेनरी अपने बड़े भाई एंगर से मिलने जाता है। तो हम देखते हैं कि एंगर आज भी हेनरी से जलता है। एंगर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो हेनरी उससे सीधा अपनी प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है। तो एंगर ज्यादा वक्त न लगाते हुए हेनरी की प्रॉपर्टी के अनुसार पैसे का चेक देता है। इसके बाद हेनरी जब अपने केयर टेकर मिसेज मैक के पास जाता है, तो मिसेज मैक हेनरी को फार्म टूर के लिए फार्म के मैनेजर टकर को बुलाती है। लेकिन टूर पर जाने के लिए हेनरी उससे साफ मना कर देता है, क्योंकि पिता की मौत के बाद हेनरी उस फार्म में कभी नहीं गया। मिसेज मैक के काफी समझाने के बाद हेनरी वहां जाने के लिए मान जाता है, और फिर टकर के साथ फार्म की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ग्रांट नाम के आदमी को देखते हैं, जिसके साथ एक लड़की भी होती है, जिसका नाम एक्सपीरियंस होता है। असल में ये दोनों एक रिसर्च जेनेटिक लैब पर नजर रख रहे होते हैं, और ये लैब एंगर्स के कहने पर चलाई जा रही थी। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट भेड़ों पर की जा रही थी, ताकि ये लोग इस तरह से भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार कर सके। लेकिन किसी कारण से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिस वजह से वह उस फेल एक्सपेरिमेंट सामान को फेंकने जा रहे होते हैं। तभी अचानक से ग्रांट मौका देखकर उस फेल एक्सपेरिमेंट मटेरियल से एक कांच का जार उठाकर भागने लगता है। लेकिन तभी वो साइंटिस्ट उसे भागते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रांट यह देखकर घबरा जाता है, जिस वजह से ग्रांट भी भागना शुरू कर देता है, और भागते भागते अचानक से गिर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से वो कांच का जार छूट जाता है और जमीन में गिरकर टूट जाता है, और उसमें से एक जेनेटिक भेड़ का बच्चा निकलता है, और फिर वो बच्चा ग्रांट को काटने लगता है। लेकिन ग्रांट जैसे तैसे उसे छुड़ाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो भेड़ का बच्चा सरकते सरकते जंगल से बाहर निकलकर एक नॉर्मल भेड़ को काट लेता है। इधर टकर हेनरी को फार्म टूर करा रहा था कि इतने में ही अचानक इनके सामने एक भेड़ आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं। टकर देखता है कि भेड़ के चेहरे पर किसी ने काटा है, बट इसे इग्नोर करके भेड़ को रास्ते से हटाकर साइड में करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाती है और उन पर गन तान देती है। इसके बाद एक्सपीरियंस ग्रांट को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और ग्रांट को आवाज लगाने लगती है। ग्रांट भी जंगल में होता है, पर वो एक्सपीरियंस को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि उस इन्फेक्टेड जेनेटिक भेड़ के काटने से ग्रांट बदल रहा था। ग्रांट एक खरगोश को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। अब ये सब देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो इन्फेक्टेड जेनेटिक भेड़ एक फेल एक्सपेरिमेंट थी, और इसीलिए डॉक्टर उसे डिस्पोज करने वाले थे। पर ग्रांट ने उसे गिराकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि भेड़ के काटने से वो इन्फेक्टेड हो चुका है और एक एनिमल बन चुका है। इधर टकर
चालाकी से एक्सपीरियंस के हाथों से गन छीन लेता है, जिसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम हेनरी बोल्डफील्ड है। यह नाम सुनकर एक्सपीरियंस को समझते देर नहीं लगती ये एंगर्स बोल्डफील्ड का भाई है। एक्सपीरियंस हेनरी को एंगर्स की गैर कानूनी रिसर्च के बारे में बताती है जो कि भेड़ों पर की जा रही थी। इसी बीच टकर को एक घर से धुआं निकलते दिखाई देता है, जिसके बाद ये तीनों उस घर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस घर के मालिक को किसी ने बुरी तरह से अटैक करके मार डाला है। वो ये सब देख ही रहे होते हैं तभी एक भेड़ उनकी ओर बढ़ती है, तो हेनरी उसे देखकर डर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये देख टकर कहता है वो एक नॉर्मल भेड़ है, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल टकर को नहीं पता होता है कि हेनरी को भेड़ों से डर लगता है। असल में वो भेड़ एक नॉर्मल भेड़ नहीं थी क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इसी वजह से वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर हेनरी और टकर दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उसका मुखून से लथ पथ था। टकर ज्यादा देर ना लगाते हुए भेड़ के सिर में गोली मार देता है जिससे भेड़ वहीं मर जाती है। इसके बाद ये तीनों बाहर आते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भेड़ घूम रही है। कुछ देर देखने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि ये भेड़ इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन हेनरी फिर भी उनके बीच से निकलने में डर रहा होता है। एक्सपीरियंस और टकर के समझाने के बाद फाइनली वो वहाँ से निकल जाता है और ये तीनों वापस कार के पास पहुँचते हैं और घर के लिए निकलते हैं। ये तीनों वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं तभी अचानक एक इन्फेक्टेड भेड़ गाड़ी में चढ़ जाती है और टकर के ऊपर अटैक कर देती है और टकर के पैर में काट लेती है, जिस वजह से ये तीनों ही कार से कूद जाते हैं, जिसके बाद इनकी कार खाई में गिरती है और वो चूर चूर हो जाती है और वो इन्फेक्टेड भेड़ भी वहीं मर जाती है। इसके बाद सीन उसी जगह पर फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर वो ग्रंट के पीछे वो डॉक्टर्स भागे थे, लेकिन वो डॉक्टर्स ग्रंट को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद वो सभी डॉक्टर सलाह बनाते हैं और कहते हैं कि इन बाकी फेल एक्सपेरिमेंट्स को डिस्पोज कर दिया जाए और ये काम एक डॉक्टर को दिया जाता है जो कि उस मटेरियल को एक गड्ढे में डालने के लिए जाता है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ भेड़ आ जाती हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सभी एक तरह से नॉर्मल भेड़ हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी एक तरह से इन्फेक्टेड भेड़ थी। वो सभी भेड़ मिलकर डॉक्टर पर हमला कर देती हैं और उसे मार डालती हैं। इधर एंगर को हेनरी का ड्राइवर घर के बाहर दिखता है, जिसे एंगर समझ जाता है कि हेनरी वापस शहर नहीं गया है, जिसके तुरंत बाद एंगर्स अपने भाई हेनरी को ढूंढने के लिए कार की मदद से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे ग्रंट खड़ा मिलता है जो कि उसका रास्ता रोक रहा होता है, तो एंगर्स गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है और उससे रास्ते से हटने के लिए बोलता है। तभी ग्रंट उसके हाथ में काट लेता है और भाग जाता है। वही दूसरी तरफ ये तीनों एक लैब की ओर जाते हैं। अब धीरे धीरे टकर के पाँव में दर्द होने लगता है, जिसके बाद टकर अपना जूता निकालता है। वो वहाँ देखता है कि उसका पाँव भेड़ जैसा हो गया है। ये देखकर टकर घबरा जाता है। तभी इन सब की नजर पड़ती है बहुत सारी भेड़ों पर जो कि इनकी ही तरफ आ रही होती हैं। और अब ये सब पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी। उन्हें देखकर ये तीनों भागते हैं और लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक और भेड़ दिखती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। टकर लैब के इंचार्ज डॉक्टर रस पर अपनी बंदूक तानता है। तभी अचानक वहाँ पर एंगर भी आ जाता है, तो हेनरी उसे बताता है कि भेड़ें इन्फेक्टेड हो गई हैं और वो लोगों पर अटैक कर रही हैं और वो लोगों को बुरी तरह से मार रही हैं। लेकिन एंगर्स और डॉक्टर रस उसकी बात पर बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि अभी भेड़ों की संक्रमित होने की घटना नहीं सुनी थी। डॉक्टर रस टकर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद एंगर टकर से बंदूक छीन लेता है और हेनरी को पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद टकर इनसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी हेनरी और एक्सपीरियंस लैब से बाहर निकलते हैं, पर इन्फेक्टेड भेड़ इनका रास्ता रोकती हैं, जिसके बाद ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी बीच ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें फेल एक्सपेरिमेंट और बाकी चीजें फेंकी जाती थी। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंगर्स वापस घर पहुँचता है, जहाँ मिसेज मैक हेनरी के बारे में पूछती हैं। इस पर एंगर उन्हें झूठ कहता है कि हेनरी वापस शहर लौट गया है, यानी एंगर मिसेज को हेनरी के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि शायद एंगर नहीं चाहता था कि हेनरी जिंदा बचे। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें एक इन्फेक्टेड भेड़ की आवाज आती है जो इनकी तरफ आ रही थी। तभी इन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखती है जिसमें से ये बाहर निकलते हैं और एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। तभी उसी फार्म हाउस में इन्हें एक इंसानी भेड़ दिखती है जो कि आम भेड़ों से
काफी बड़ी थी और ये भेड़ कोई नहीं बल्कि ग्रंट था, जो अब पूरी तरह से भेड़ में तब्दील हो चुका था। ग्रंट इन पर हमला करता है पर ये ग्रंट को फार्म हाउस में ही बंद कर देते हैं और ये वहां से निकलते हैं। उसी बीच हम एंगर्स को देखते हैं जो कि बहुत से बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन दिखाता है और इंसानों द्वारा बनाए गए जेनेटिक भेड़ के बारे में बताता है और सैंपल के तौर पर उन्हें एक भेड़ दिखाता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी और ना ही फेल एक्सपेरिमेंट। तभी अचानक वो भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस भेड़ की आवाज सुनकर सभी इन्फेक्टेड भेड़ वहां आ जाती है और एंगर्स की प्रेजेंटेशन देखने आए सभी लोगों को मार मार कर खाने लगती है। पर ये भेड़ एंगर्स को कुछ नहीं करती क्योंकि एंगर्स भी इन्फेक्टेड हो गया था जब ग्रंट ने उसे काटा था। खैर, दूसरी तरफ डॉक्टर रस ने भेड़ों को इस इन्फेक्शन की दवाई बना ली थी। डॉक्टर रस टकर को इंजेक्शन देती है जिसके बाद टकर वापस से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रस इस इन्फेक्शन की दवाई एंगर्स को देने के लिए निकलती है पर उसी बीच रास्ते में वो इन्फेक्टेड भेड़ डॉक्टर रस को भी मार देती है। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेज मैक के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें फिर से ग्रंट मिलता है। मिसेज मैक उसे मारने आगे बढ़ती है पर एक्सपीरियंस उसे स्टिक की मदद से बेहोश कर देती है और इसके बाद ये दोनों घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर इनके सामने बहुत सी इन्फेक्टेड भेड़ आ जाती हैं। तभी मिसेज मैक का ध्यान हेनरी के हाथ पर जाता है जिस पर काटने का निशान था, यानी अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद ये तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं जहाँ हेनरी दोनों को सुरक्षित जगह ले जाने की बात करता है। तभी एक्सपीरियंस हेनरी को किस करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि हेनरी अब दोबारा मिलेगा, इसलिए वो हेनरी के सामने अपना प्यार जाहिर करती है। इसके बाद हेनरी भेड़ की खाल पहनता है और भेड़ों के बीच से निकलता है पर अचानक दूसरी भेड़ हेनरी के ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से उसके ऊपर से भेड़ की खाल निकल जाती है। इसके बावजूद कोई भी भेड़ हेनरी पर हमला नहीं करती। तभी हेनरी को ये रियलाइज हो जाता है कि वह इन्फेक्टेड है, शायद इसी वजह से ये भेड़ उस पर हमला नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एंगर एक प्लेन की मदद से अपनी बनाई गई भेड़ के साथ भागने के लिए प्लानिंग कर रहा था पर एंगर्स पर इन्फेक्शन का पूरा असर होने लगा था जिस वजह से एंगर एक इंसानी भेड़ बन जाता है। तभी हेनरी भी वहां पहुंच जाता है जिसे देख एंगर उसे मारने की कोशिश करता है पर वो खुद प्लेन के फैन से टकरा कर घायल हो जाता है। वहीं टकर लैब से निकल कर हेनरी के पास आता है और उसे वही दवाई देता है जिससे वो ठीक हुआ था। दवाई देते ही हेनरी भी ठीक हो जाता है लेकिन एंगर्स अभी तक जिंदा था और उसके पास अभी भी इंसानी थिंकिंग बची थी, जिसके बाद वह सोचता है कि मुझे कोई भी भेड़ खाएगी नहीं और वो इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही वो इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है इन्फेक्टेड भेड़ें उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाती हैं और जब ये सभी उसके पास जाते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है कि ये भेड़े मेथाइल गैस छोड़ रही हैं, जिसके बाद हेनरी इसका फायदा उठाकर अपना लाइटर जला देता है जिससे वहां पर आग लग जाती है और वहां पर मौजूद सारी इन्फेक्टेड भेड़ बुरी तरह से मर जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बची हुई भेड़ों को और इन्फेक्टेड इंसानों को टकर दवाई देता है और इनमें से एक ग्रंट भी शामिल था। अब हेनरी अपना मन बदलता है और फिर से भेड़ों की खेती में लग जाता है जिसमें इसका साथ देते हैं टैकर और एक्सपीरियंस और फिर ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। सो दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।